सो गाइस अभी हम एक स्टेशन आगे आगे हम वाटर फ्रंट पे उतरे हैं और जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो अभी बिल्कुल पीछे हमारे यहाँ क्रूज खड़ी है। मेरे सपनों की शिप आ गई है। सो गाइस हमने वाटर फ्रंट पे ही अभी और हमने इसके ऑफिस की एक ब्रांच जाना था वैंकूवर में, कुछ काम था हमें ऐसे 2-4 मिनट का, बट हम वो ब्रांच ढूंढने में अभी इतना टाइम लगा चुके हैं ना, हम इधर ही घूम रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं कभी कहाँ कभी कहाँ। पर इसमें अब सच ये है कि है ना, ये डायरेक्शन सेंस किसकी थी, इसने सारा कर रखा था, मेरा तो बस इतना था कि भाई अपन को जाना है बीच। तो गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुँचे, मतलब अभी चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ है, अब पता नहीं है कि वो कोई रैली है या वो सबने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। हाँ। उधर जा रहा क्राउड। सो गाइस हम अपनी फाइनल स्टेशन पे आ गए हैं और हमारी हमारी स्टेशन है, पीछे से अगर दिख रहा होगा आपको बीच है, ये है किट्सिलानो बीच। और ये मेरी एक फ्रेंड कोगल ने रेकमेंड किया था कि यहाँ पे जरूर आना, मुझे बहुत टाइम से कह रही है, तो आज हम फाइनली यहाँ पर आए हैं और हाजिर पे बहुत अच्छी जगह है। मतलब वाइब्स अलग है, मतलब जैसे व्हाइट रॉक गए थे वहाँ की वाइब भी वैसी ही है, पर ऑब्वियस है कि यहाँ पे जैसे बीच आपको दिखाई देता है तो वही चीज़ है। और ये पीछे कैफेज आ गए छोटे छोटे, और एक बहुत अच्छी बात है देखो ये रोड पे ना, तो अभी जो बीच के सामने रोड है ना, ये पूरी पे कोई ट्रैफिक है, कोई व्हीकल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट बाइसिकल्स। और ये देखो यहाँ पर ये बेस्ट थिंग, ये सब ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, तो ये पूरी रोड पे ऐसे वहाँ तक आपको दिख रहा होगा, लाइक यू कैन सिट एनीवेयर यू वांट, मतलब कूल है। और ये सर यहाँ विराजमान हो चुके हैं, व्हाट्स अप, हाय। तो हाँ ये जगह बड़ी कूल है और यहाँ पे जैसे बैठने को आप सड़क पे बैठ जाओ कहीं भी खाने पीने के लिए, यहाँ की जो मुझे वाइब्स है ना, मुझे ऐसी वाइब्स हमेशा अच्छी लगती है। तो जब से हम सरी आए, सरी में ऐसी जगह नहीं मिलती आपको, तो आपको ऑब्वियसली स्पेशली वैंकूवर या व्हाइट रॉक जाना पड़ता है उसके लिए। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर ही कहीं अपार्टमेंट ले लेते हैं यार, मतलब ऐसा है कि जब निकलते हो तो लगे कि कहीं पर रह रहे हो आप। क्या कह रही है, कौन सा वाला लूँ, पसंद कर रही हूँ घर। चल आ जा यार, कहाँ पे बैठना है। सो गाइस यहाँ पे है ना बैठने के लिए हम लाए हैं चटाई अपने साथ, वैसे तो हम खाना भी थोड़ा सा लाए हैं, थोड़ा सा प्लान था उतना नहीं लाए पकड़, और हम थोड़ा लेट भी हो चुके हैं। बट सोचा तो हमने था कि हम सुबह कितने बजे ऐसे, मतलब 8-9 बजे निकल जाएंगे, पर हम उठे ही 10 बजे नहीं, और उसका कारण ये है वेब सीरीज देखी, हम वेब सीरीज भी देख रहे थे, वो आई है प्राइम पे, कोई तो हॉरर थी, कौन सी, अधूरी आई थिंक सो, मतलब आई एम नॉट श्योर, अधूरी है। और उसकी शूटिंग पता नहीं मुझे क्यों लगता है मेरे कॉलेज में हुई है। तो अभी ये है पीछे कैप किट्सिलानो, क्योंकि मैं इसे बार बार कैपिलानो कैपिलानो बोली जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसने आना गलत याद दिला रखा है क्या? पिछले एक हफ्ते से ये कैपिलानो या कुछ तो ऐसे नाम ले रही थी, वैसे कैपिलानो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, कैपिलानो कब बोला मैंने, कैपिलानो किट्सिलानो बोल रही थी ये। या तो अभी खाने लग गई, थोड़ा रुक के जब अभी तो पहुँचे, भूख लगी यार, सुबह का है था जब घर से निकले थे, अब पता है मेरे को चाय, घर से कितने बजे निकले, घर से 1:30 बजे निकले ना, 1:30 बजे खाए, अभी 5 ही बजे हैं, तो चाय तो सुबह पी थी, कितने बजे उठे थे हम। हाँ यार मतलब मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे ना कुछ चाय की ठेला लगा लो, क्योंकि लिटरली मतलब ऐसे चाय का बड़ा मूड हो रहा है, मतलब चल भी जाएगा मुझे लगता है, पर हाँ बीच पे आके मन तो बड़ा करता है यार, ये तो खत्म हो गया, तो ये पड़ा है क्या, दे रहा है, कितनी नमकीन खा लिया मैंने सुबह से, मुझे नहीं खानी यार ये, बीच पे नहाना नहीं, बेस्ट पार्ट मतलब गीला नहीं होने का मूड मेरा, और मैं बताता हूँ इसका गीला होने का मूड क्यों नहीं है, क्योंकि इसे ना डर लगता है, मतलब इसे
बीच के पास पानी में लेके जाना ना एक अपने आप में बहुत बड़ी हेडेक सी है। पॉइंट इज कि मैं अपने कंफर्ट जोन तक जाती हूँ आगे, पर अभी वैसे मूड और इसका कंफर्ट जोन ना गाइस जाओ ट्रैवल करके नहीं। दोस्तों इसका कंफर्ट जोन ना पैरों के यहाँ तक है, मतलब जितना अपन टब में नहाते हैं ना। पर पॉइंट इज कि अभी क्या कहाँ ऑर्डर कर लें क्या कुछ सच्ची में ना यार होगा यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे ना पास वो तो होंगे ऑब्वियस है। मैं यहाँ से उठ के जाके कहीं खाने का मन तो है नहीं, जाओ कहीं खा के आओ। इतने अच्छे कैफे हैं, चलते हैं उनमें कहीं बैठ जाते हैं। कैफे जाना बीच पे क्यों आए थे? चल कर दिया। अभी हवा नहीं चालू होगी थोड़ी सी ज्यादा, मुझे तो ठंडी लगने लग गई यार। कोजी रहता है ना, मेरे को तब तक मजा आता है। हाँ अभी आप देख सकते हो ना जैसे कि है ना हवा चल रही है काफी ज्यादा। हाँ। हवा काफी तेज होगी यार इस समय, और हमने अभी ऑर्डर भी कर रखा है एंड आई डाउट कि यहाँ से निकलना ना पड़ जाए। हाँ, अगर मतलब थोड़ी सी ज्यादा ठंड होने लग गई और हम ऐसे कुछ वार्म कपड़े भी नहीं लेके आए, मतलब मेरा तो चल जाएगा, मुझे ठंड कम लगती है। मुझे तो लगती है ये मैडम को थोड़ी सी ज्यादा लगती है, इसका चक्कर पड़ता है ठंड का। सो वी चेंज आवर पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे ना टू इन ही लाने मिल रही थी, मतलब पीठ नहीं लगाने को मिल रही थी। क्यों? और यहाँ पर हम सोएंगे। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे रिलैक्स, क्योंकि ऑब्वियस है जब बैक नहीं लगाने को मिलती ना तो उतना फन नहीं आता आपको, मतलब चिल नहीं बज पाता। अभी यहाँ पे आ हा हा ये सही है, ये दे रहा जन्नत। बस थोड़ी धूप आ जाए, हवा कम हो जाए तो थोड़ी, पर ठीक है ना ये लोकेशन मैंने तुझे बेटर है राइट। हाँ तो मान नहीं रही थी फिर स्वीट टू दिस कोक। सो गाइस फाइनली बहुत मुश्किल हुई क्योंकि उसे मैं नहीं मिल रहा, नहीं लोकेशन तो थी बट अब गाड़ियाँ इतनी थी, इतनी बड़ी पार्किंग थी, इतने लोग थे, मतलब वो मुझे ढूंढ रहा, मैं उसे बता रहा भाई ये तो थोड़ा सा हो गया था ऐसे ही मतलब। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा कोक और गार्लिक ब्रेड, मतलब ये जो बेसिक होता है हम हमेशा करते ही हैं। वो देखियो कुछ काटने के लिए, तूने कैसे काटा? अच्छा ठंड लगेगी, बीमार हो जाएगी, वहाँ आराम से बैठेंगे, अभी वरना भागा भागी है। चल सो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और क्योंकि बीच बहुत अच्छा है, आप अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ कभी भी आ सकते हो, चिल मारने 2-3 घंटे बहुत है, सफिशेंट है यहाँ पे। और उसी के साथ हम इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और आप अपनी पार्टी करो, हम अपनी पार्टी करते हैं। बाय।